Hi all, I'm Divya Vijayvarya. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So this video is regarding product empties. So I recently made a product empties few months back, but उसके बाद से अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा product empties और हो गए हैं. Wanted to make sure कि ये video मैं पहले बना लूँ, क्योंकि ये सारा कचरा मुझे फेंकना है, क्योंकि product empties में रख के क्या करूँगी. I hope आपको इस video से थोड़ा information मिले कि कौन से products मुझे अच्छे लगे. I'll be also sharing कि मैं कौन से buy करूँगी वापस, या मैं करती आई हूँ, एंड कौन से मिस है जो बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. प्राइसेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन एंड लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिंपल फेस वॉश. सो इसके ना कितने तो ट्यूब्स मैं खत्म कर चुकी हूँ. मैं रेटिनॉइड पे हूँ, मेरा स्किन इरिटेटेड है, या मुझे स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो इसकी वजह से ना एकदम जेंटल फेस वॉश है, एंड क्लीन भी बहुत अच्छे से कर देता है, क्योंकि मैं ऑयली स्किन टाइप हूँ मोस्टली, तो ये अच्छे से क्लीन कर देता है. एंड मैं इसके बहुत ज़्यादा ट्यूब्स खत्म कर चुकी हूँ, तो ये टोटल हिट है. एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन, एक बार तो ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगेगा. एंड अफोर्डेबल भी है बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फेस वॉश से. सो डू ट्राई दिस वन आउट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कुमुदा कंडीशनर फ्रॉम जस्ट हर्ब्स. सो ये मुझे वैसे तो पीआर में मिला था ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए, बट मैंने इसको अच्छे से पूरा यूज कर लिया. देख सकते हो थोड़ा सा बचा है इसमें, बट ये ना बहुत ही लाइट कंडीशनर है. मतलब मेरे स्कैल्प टाइप ना बहुत ऑयली है, बट एंड्स के हेयर मेरे थोड़े ड्राई हैं, सो मुझे चाहिए रहता है थोड़ा हाइड्रेटिंग कंडीशनर. बट ये ना है, मतलब अच्छा इसका स्मेल है, एंड अच्छे से आपको कर भी देता है. बट क्योंकि मेरे विंटर्स में एक्सट्रीम ड्राई हो गए थे, तो मैंने विंटर्स में बिल्कुल इसको इन्जॉय नहीं किया है यूज़ करते हुए. ऑल दो समर्स के लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, तो इफ़ यू वॉन्ट समर्स या रेनी के लिए आप ट्राई कर सकते हो. मगर आपको लाइक बहुत ही ड्राई स्ट्रैंड्स हैं या एंड्स हैं, तो आप शायद इसको स्किप कर सकते हो. बट बाकी इन जनरल अगर आपके हेयर टाइप है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो. आई थिंक थोड़ा अफोर्डेबल है, बट थोड़ा महंगा भी है. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इमोलिन क्रीम. काफ़ी अच्छे से मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, एंड इंडियन हूँ तो पूरा काट के भी यूज़ कर चुकी हूँ. एंड आई लव दिस क्रीम अ लॉट. मैं ऑलरेडी इसके एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं इधर लिंक कर दूंगी आई बटन पे. काफ़ी अच्छी क्रीम है. मुझे कभी इरिटेशन नहीं हुआ इससे, चाहे मेरा स्किन टाइप ड्राई रहा हो या मेरा स्किन टाइप ऑयली रहा हो, दोनों ही केसेस में मुझे अच्छे से मॉइस्चराइजेशन वाला फील रहा है. ऑल दो अगर मैं रेटिनॉइन यूज़ करती थी एंड बहुत ही फ्लेकी वाला स्किन हो जाता था मेरा, तो मुझे लगता था कि यार मुझे इसको वापस लगाना है, क्योंकि ड्राई हो जाता था स्किन बार बार. इन जनरल बोलूँ तो ये क्रीम काफ़ी अच्छा है. लोगों को प्रॉब्लम हुआ है कि उनको इससे और एक्ने या बम्स आए, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. एंड दिस क्रीम इज़ वर्थ द हाइप. लाइक फार्मा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजर है. सो यू कैन चेक दिस आउट. ये तो हिट है, एकदम मिस तो है ही नहीं बिल्कुल. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डर्मडॉग का 2% हाइलुरोनिक सीरम. इट्स अ वेरी प्रिटी सीरम, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सीरम. काफ़ी अच्छे से इसने मेरे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखा था. मैं इसका डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ इसको वापस. अभी मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी बहुत ही रिलोकेशन है. ये तो मुझे मतलब पीआर टाइप ऑफ में मिला था, बाटा कोलाब्रेशन में मिला था, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. इस ब्रांड से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट तो आई थिंक यही है, इसके बाद नायसनामाइड वाला मॉइस्चराइजर है, बट ये प्रोडक्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम सेटाफिल. मैंने यूज़ किया है सेटाफिल जब मेरा ट्रेटिनॉइन का बहुत ही गंदा फेस था मेरे स्किन के लिए. सो मेरा स्किन ना बहुत इरिटेटेड हो गया था, एंड सुबह के टाइम में मैं इतना स्ट्रॉन्ग फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहती. मैं जेंटली फेस वॉश यूज़ करती हूँ जब मैं शावर लेती हूँ, तो मैंने इसलिए तब के लिए इसको ये रखा था. ऑल दो कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप वाला है, बट जब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता था ना, तो इसने मुझे बहुत बचाया है. सो दिस इज एन ओजी प्रोडक्ट एंड दिस इज अ हिट प्रोडक्ट फॉर श्योर. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डव का अंडर आर्म. ये ओरिजिनल वाला वर्जन है. सो ये भी ना काफ़ी इसका लाइट और माइल्ड फ्रेग्रेंस है, एंड अंडर आर्म्स को काफ़ी ओके कर देता है. बट इसका ना उतना अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब आई वुड वॉन्ट दैट वो फ्रेग्रेंस लास्ट करे, क्योंकि अंडर आर्म स्वेटी हो जाते हैं. सो उतना अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं है, बट हाँ ओके ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. तो लाइक ये तो मैंने रिलायंस स्टोर से बाय किया था, तो थोड़ा मुझे शायद डिस्काउंट वगैरह में मिल गया था, बट इट्स एन ओके प्रोडक्ट. लाइक आई वुड से दैट ज़्यादा उतना अल्कोहलिक नहीं है आई थिंक. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि डव का प्रोडक्ट है. इट्स नॉट अ मिस, बट इट्स नॉट अ हिट ऑल्सो.
या सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डर्मडॉक का 4% नैसनमा डे क्रीम. यही मॉइस्चराइजर के बारे में बोल रही थी, डर्मडॉक ब्रांड का. सो इट्स एन वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर समर्स. आई वुड डेफिनेटली बाय दिस फॉर समर्स. आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दैट. इतना लाइट है ना और ऊपर से नायासिनमाइड है, तो आपको अलग से नायासिनमाइड यूज़ करने की जरूरत भी नहीं है. यही आपका कोटा पूरा कर देगा. सो इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. लाइक मैं इसको पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ. आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा है. सी मैं इसको पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ. इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर. और फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा लाइट है, उतना फ्रेगरेंस भी नहीं है. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इट्स अ हिट. यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट. बहुत ही हिट हो रहे हैं. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्लम का ऑर्चिडो नॉट परफ्यूम. मैं अगर वीडियो पहले जा चुकी होगी परफ्यूम की तो आपको पता रहेगा कि बहुत ही बकवास परफ्यूम है ये फ्रेगरेंस ही. एक्चुअली परफ्यूम बकवास नहीं है, फ्रेगरेंस ही इनका बकवास है. तो ये तो बिल्कुल मिस है. डोंट बाय दिस, आपका पैसा वेस्ट होना. इतना एल्कोहलिक स्मेल आता है ना इसके ये परफ्यूम और बॉडी मिस से जो यहाँ आपको रखा हुआ दिख रहा है. बहुत ही एकदम पैसा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये. डोंट बाय दिस परफ्यूम. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस परफ्यूम. डोंट बाय दिस बॉडी मिस्ट ऑल्सो. ये भी ऑर्चिडो नॉट है. आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बचा है. इसका लाइट पर्पल वाला कलर है, बट इतना इतना गंदा एल्कोहलिक स्मेल है ना पूरा एकदम. बहुत ही लाइट फ्लोरल स्मेल आता है, बट पूरा एल्कोहलिक थी पूरा एल्कोहलिक स्मेल आता है. आई हेट दीज टू प्रोडक्ट्स. लाइक मैंने क्यों ही अपना पैसा इसमें वेस्ट किया है. ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम वैसलीन. सो दिस इज एन सन प्रोडक्ट एंड कूलिंग बॉडी सीरम लोशन. आई यूज दिस फॉर समर्स. छोटा वाला मैंने लेके पहले ट्राई किया था, पूरा खत्म कर लिया मैंने इसको. बड़ा वाला मेरा रखा हुआ है. इट्स अ वेरी गुड SPF वाला मॉइस्चराइजर. इट्स लाइट वेट सो इट्स गुड फॉर समर्स. बट आई वुड से ये ना मुझे चिपचिप वाला फीलिंग रह जाता है मेरी बॉडी में. एंड जो लोग मुझे पहले मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे वो चिपचिप वाली फीलिंग मेरी बॉडी में पसंद ही नहीं आती है. तो उसके लिए आई डोंट थिंक इट्स गुड अगर आप मेरे जैसे हो. बट क्योंकि इसमें SPF है तो ये काम आता है समर्स के टाइम पे. और मतलब अगर आप बीचेस वगैरह जा रहे हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो. वैसे तो इतना टैनिंग से हेल्प नहीं करेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत हेल्प तो ज़रूर करेगा. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम डॉक्टर शेव्स. ये एलो एंड पैथोनॉल हाइड्रेटिंग जेल है. ये मैंने सनस्क्रीन के साथ बाय वन गेट वन में लिया था. एंड इट्स एन ओके प्रोडक्ट, बट मैं इसको समर में ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि लाइट वेट है. बट उसका एक कॉन ये है कि वो चिपचिप वाला फीलिंग रह जाता है. सो आई डोंट लाइक दैट फीलिंग एंड आई विल नॉट बाय दिस अगैन. इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. ये ना आपको काम करने में, आपकी स्किन को काम करने में डेफिनेटली मदद करता है. मेरा स्किन बहुत रेड हुआ करता था एंड मैं इसको लगाती थी ना रात में, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा हेल्प करता था, बट वो फीलिंग मुझे नहीं पसंद आती. तो आई विल नॉट बाय दिस. लाइक अगर ब्रांड अपने आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चराइजर पे वर्क करे तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, क्योंकि इतना लाइट वेट है ना, ट्रांसपेरेंट इसका कंसिस्टेंसी होता है, एकदम बहता हुआ थोड़ा कंसिस्टेंसी होता है, जेल लाइक है. सो इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, बट वो चिपचिप वाला फीलिंग है, सो आई डोंट लाइक दैट. ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम नीविया. इट्स एन पर्ल एंड ब्यूटी अंडर आर्म. ये तो काफ़ी हाइप्ड प्रोडक्ट है. सो इट्स अ वेरी गुड रोल ऑन. इतना खास फ्रेगरेंस नहीं है इसका, बट इट्स अ वेरी गुड रोल ऑन. मैं इसके दो बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ. पुराने वाले एम्प्टीज में आपको एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला होगा. अगर कुछ नहीं तो फिर मैं यही बाय करूँगी. बट अभी और भी ऑप्शंस हैं काफ़ी, जो AHA वाले होते हैं, BHA वाले होते हैं, या उनमें काफ़ी अच्छा फ्लोरल स्मेल होता है, अलग अलग टाइप के स्मेल्स होते हैं. इसका कुछ एक पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, बस एक नॉर्मल क्लासिक स्मेल है. सो फॉर दैट इट्स एन ओकेश प्रोडक्ट. ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ट्रेसेमे का हेयर फॉल डिफेंस विद केराटिन प्रोटीन कंडीशनर. इसका बड़ा वाला भी मेरे पास रखा हुआ है. इसका स्मेल इतना सुंदर, इतना मस्त सा है ना, बट आई डोंट थिंक इट इज़ हेल्पिंग फॉर हेयर फॉल. आई डोंट नो हाउ इट इज सपोज टू हेल्प फॉर हेयर फॉल, क्योंकि आप तो बस इसको स्ट्रैंड्स पे लगा रहे हो. बट मतलब हेयर फॉल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. बट इट्स एन ओके कंडीशनर. मतलब शायद आई थिंक अफोर्डेबल वगैरह भी है, या ये बस 90 rupees का था. तो और TRESemmé ब्रांड का है. सो बट उतना कुछ मतलब जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है, बट कंडीशनर के नाम पे ओके है. एंड कंडीशनिंग भी अच्छे खासे प्रोवाइड कर देता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है आपके हेयर को, बट फ्रिज से नहीं बचाता है. लाइक सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रिजी है, सो उससे तो नहीं बचाता है, बट एन ओके ओके कंडीशनर है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दिस आउट. ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोसारेक्स नेल मुसिन एसेंस. ये तो
होली ग्रेल प्रोडक्ट है ये, इसको तो एक बार लेके देखो। इट्स अ वेरी गुड एसेंस, लाइक इफ यू डोंट नो व्हाट इज एसेंस, सो जैसे टोनर होता है वैसे एसेंस होता है, तो आप टोनर ना यूज करके एसेंस यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मेन काम हाइड्रेशन का है। सो ये स्नेल म्यूसन का होता है, सो लाइक इफ यू आर काइंड ऑफ नॉट ओके विद दैट यू मे स्किप इट, बट इतना कुछ होता नहीं है। लाइक आई एम अ वेजिटेरियन बट आई स्टिल यूज इट, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे। सो थोड़ा इसका टेक्सचर ना गूई वाला है, सो मतलब आपको शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड हाइड्रेशन प्रोडक्ट। लाइक स्पेशली अगर आप ट्रेटिनॉल या ट्रेटिनॉल यूज करते हो ना, तो आपको होना ही चाहिए ये। मैंने भी यही सोच के लिया था एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। आई ऑलरेडी हैव अ न्यू बॉटल ऑफ दिस जो मैं यूज कर रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ट्रेटिनॉल एंड इट्स साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑन स्किन, सो ये है फॉर्मूला आरएक्स का मॉइस्चराइजर, जो आप देख सकते हो पूरा मैंने काट के यूज कर चुका है एंड मेरे पास दूसरा वाला रखा है जो वो भी आधा खत्म हो चुका है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सेरामाइज बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो या आप सेरामाइड प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आई नो इट इज़ वेरी प्राइजी फॉर कंपेयर टू द अदर मॉइस्चराइजर जो सेरामाइड बेस्ड है, बट इट्स प्राइजी फॉर अ रीज़न। ओके, इट प्रोवाइड्स यू दैट हाइड्रेशन, दैट रेस्क्यू फ्रॉम द ड्राई स्किन और फ्लेकी स्किन। आई लव दिस मॉइस्चराइजर अ लॉट। लाइक मैंने तो कोई कोड से बाय किया था, बट आप भी एक बार अगर आप रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल पे हो तो एक बार ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करके जरूर देखना। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉक्टर शेड्स का नायसनमाइड एंड ग्रीन टी कामिंग टोनर। सो इट्स एन ओके टोनर। लाइक जब बहुत ज़्यादा मेरा स्किन सेंसिटाइज या रेड उठता है तो भी, या एक्ने आ रहा होता है तो भी मैंने यूज़ किया है। इतना मेजर तो डिफरेंस दिखता नहीं है उससे कि मतलब क्योंकि ग्रीन टी है या कामिंग टोनर बोल रहा है, बट आई स्टिल लाइक टू यूज इट। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं ना अपना टोनर फ्रिज में रखती हूँ, तो जो मेरे पास के ब्यूटी का भी एक टोनर है बट उससे हटके मैं ये वाला बाय करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी छोटा वाला था, तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग करी है इसमें। इसका ना थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा था जो वो मैंने छोटे वाले में डाल दिया है ताकि वो हैंडी हो एंड मतलब अगर मैं रिलोकेट वगैरह करूँ तो मुझे ईजी हो ट्रैवल करने में, बट इसका पूरा ये खत्म हो चुका है। आई रियली थिंक दैट टोनर इज अ वेस्ट ऑफ मनी, सो आगे से तो मैं कभी बाय नहीं करूंगी टोनर वगैरह, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस वन आउट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आर माई ओजी प्रोडक्ट्स। ओके, आई लव दीज प्रोडक्ट्स अ लॉट। दिस इज फ्रॉम डव। सो ये शैम्पू है, ये दो बॉटल बस नहीं है, मैंने बहुत सारी बॉटल्स ख़त्म करी है। आई डोंट नो मैं कितने ईयर से यूज़ करती आ रही हूँ, स्पेशली लॉकडाउन से पहले से, एंड मैंने लिटरली इनसे ना नोटिस किया है कि मेरे हेयर ग्रोथ में थोड़ा तो इफेक्ट दिखा है मुझे। सो दिस इज़ हेल्दी रिचुअल फॉर ग्रोइंग हेयर। आई कॉन्ट टॉक अबाउट हेयर फॉल क्योंकि मुझे हेयर फॉल इन जनरल होता ही है, एंड जब से मुझे PCOD हुआ है तो मुझे हेयर फॉल इंक्रीज हुआ ही है, एंड हेयर फॉल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प होता है, बट इससे मुझे उतना हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो आई वुड नॉट से कि हो गया है मुझे। एंड इनफैक्ट ये मेरी मम्मा भी यूज़ करती है, उनको भी हेयर फॉल का इतना कुछ इससे इशू नहीं हो रहा है। इनफैक्ट शी लव्स दिस वन। लाइक बाकी और कोई शैम्पू वगैरह हम लोग यूज़ करें तो मम्मी को वो अच्छे नहीं लगते हैं, सो ये वाला शैम्पू ना काफ़ी अच्छा है। एंड इसका बड़ा वाला एक और मेरे वॉशरूम में रखा हुआ है, सो लव दिस शैम्पू। ओके, यू नीड टू ट्राई दिस शैम्पू फ्रॉम डव। मैं मुझे ना डव को स्पॉन्सर करना चाहिए मुझे शैम्पू के लिए, मैंने बहुत बॉटल्स यूज करे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम डॉक्टर शेड्स। सो दिस इज द वेरी हाइप्ड अप सनस्क्रीन। सो इट्स सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। ये दो ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब मेरा रखा हुआ है एंड आगे भी मैं बहुत सारे ट्यूब्स यूज बाय करूंगी। ता है क्रीम वाला फॉर्मेशन बट बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं देता है, यानी बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट लोगे तो थोड़ा आपको पीलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर आपको ड्राई स्किन है या फ्लेकी स्किन है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन। लाइक आप ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, कोई भी स्किन टाइप का ना, आप इसको बाय करके जरूर देखना। एंड इफ यू आर ऑयली स्किन टाइप, आई नो दैट देर आर सम पीपल हु से दैट ये तो बहुत क्रीम वाला फॉर्मुलेशन है, हमको सूट नहीं करेगा या जो भी, बट एक बार ट्राई करके देखो, ये आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगी, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम DHC। इट्स द डीप क्लेंजिंग ऑयल एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्लेंजिंग ऑयल। लाइक मैंने ना बाय वन गेट वन में बाय करे थे, तो मेरे पास एक और इसका रखा हुआ है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत महंगा क्लेंजिंग ऑयल है, बट
थोड़ा सा ही चाहिए रहता है आपको लिटरली इसको पूरे फेस में करने के लिए। ऑयल फॉर्मुलेशन है इसका, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन टाइप है, एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो मैं क्लेंजिंग बाम्स उतना यूज़ नहीं करती हूँ। एंड माइसेला बॉटल से मुझे आँखों में बहुत इरिटेशन होता है, तो ये वाला तो मैंने यूज़ करना चालू किया था। अभी मैं क्लेस का भी यूज़ कर रही हूँ और सुगंधा का भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट ये तो एकदम परफेक्ट क्लेंजिंग ऑयल है। अगर आपके पास बजट है सो डू ट्राई दिस वन एंड बाय वन गेट वन में ही आई थिंक आप बाय करना, ऐसे मत बाय करना, मैं भी नहीं बाय करूंगी ऐसे। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड क्लेंजिंग ऑयल, लाइक क्वालिटी इज सुप्रीम। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम डव इंटेंस रिपेयर कंडीशनर, फ्री मिला था मुझे रिलायंस से, मैंने यूज किया, इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं, सो इसको स्किप करते हैं, मत बाय करना इसको। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जो अब मेरा रिसेंटली एक्चुअली आज ही एम्प्टी हुआ है, दैट इज लॉरियल ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम, लीव इन कंडीशनर है ये। बहुत ही हाइप देखा होगा आपने इसका, बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं बट कुछ लोगों के लिए उतना काम नहीं करता है, तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप ऑल्सो बेसिकली, बट मेरी हेयर टाइप के लिए ओके ओके प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा फ्रिज है, जैसे मैंने अभी भी लगाया था, आप देख सकते हो मेरे बाल पूरे एकदम वैसे हो गए, बट स्टिल आई वुड प्रिफर दिस एज थोड़ा तो ये मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है मेरे एंड्स को, सो आई वुड बाय दिस अगेन, लाइक आई एम प्रेटी श्योर आई वुड बाय दिस अगेन। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एक्रोफाई मॉइस्चराइजर, इसका एक बॉटल मैं पहले भी खत्म कर चुकी हूँ, ये तो मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था, आपको स्टोरी पता ही है। इट्स एन नायसनामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर, बट थोड़ा सा ना स्वेटी स्वेटी फीलिंग रहता है मेरे फेस में इसको लगाने के बाद, सो समर्स में तो मैं मोस्टली नहीं लगाती थी, बट विंटर्स में मैंने इसको भी खत्म किया है। तो नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर है तो काफ़ी अच्छा है, लाइक मुझे तो इससे एक्ने का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट कुछ लोगों को हो जाता है, सो या। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्लम बॉडी लविंग उप्सी डेजी शावर जेल, सो इसका फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना मतलब एकदम फ्लोरल वाला फ्रेग्रेंस है, जस्ट द वे आई लाइक एंड आई लव दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट। बट रिसेंटली आई रियलाइज दैट शावर जेल में बहुत पैसा वेस्ट होता है एंड कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस रहती नहीं है आपकी बॉडी में। एंड मोस्टली मैं शावर जेल्स फ्रेग्रेंस के लिए ही बाय करती थी, नहीं तो मैं पहले सोप लगाती हूँ फिर मैं शावर जेल लगाती हूँ। कुछ लोग शायद सिर्फ शावर जेल से शावर करते हैं, आई डोंट नो, बट मैं पहले सोप लगाती हूँ फिर मैं शावर जेल यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी काइंड ऑफ हो रहा है, तो बट स्टिल लाइक इसका फ्रेग्रेंस इज टू डाई फॉर। सो फ्रेग्रेंस आपको एक बार ट्राई करना है तो आप एक बार इसको ट्राई कर जरूर करके देखना। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 2% हेलोरोनिक एसिड फेस सीरम फ्रॉम डर्मा को, परचेज किया था मैंने, मुझे पीआर में नहीं मिला था, अच्छे से काफ़ी पूरा मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, इसका बॉटल कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ना थोड़ा चिपचिप वाला फील होता है इसको लगाने के बाद, बट हेलोरोनिक है तो आप इससे और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट वो डर्म डॉक वाले से ज़्यादा इस पर चिपचिप वाला फीलिंग होता है, स्टिल एक हेलोरोनिक बेस्ड सीरम है तो अच्छा ही है वो सीरम, सो यस इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दिस आउट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉक्सटेल का डेली डुएट हाइड्रेटिंग क्लेंजर, आई गॉट दिस इन पीआर, बट मेरे पास एक और ऑलरेडी बचा हुआ है जो मैंने खुद से बाय किया है। इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जैसे कि वो नाम है, बट इसका फ्रेग्रेंस इज अ टर्न ऑफ, बट स्टिल मतलब उतना इरिटेट नहीं करेगा, बट स्टिल इसमें फ्रेग्रेंस है, बट इसका पम्प पैकेजिंग है, ऐसा कुछ पैकेजिंग में आता है ये। लास्ट लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि प्रोडक्ट निकल नहीं रहा था, जबकि शायद बचा था इसमें प्रोडक्ट, बट स्टिल फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड खुशी महाला का तो ये फेवरेट फेस वॉश है, इफ यू नो शी इज़ अ यूट्यूबर, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड फेस वॉश एंड आई हैव अ डिस्काउंट कोड ऑल्सो, यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम डर्माको, सो इट्स 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन, रिसेंटली मुझे ये पीआर में आया था, बट भाई मैंने इसको कितना तो यूज़ किया ना, मैं एक्चुअली मेरा स्किन टाइप ना थोड़ा ड्राई है, तो मैं बहुत ज़्यादा बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ एंड एक बार में बहुत ज़्यादा लेती हूँ मैं, ऊपर से इसका लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, वैसे तो मैंने इसको विंटर्स में खत्म किया है, बट मैं समर्स में ज़रूर बाय करूंगी, और इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो ऐसे ड्राई और कर देता है आपकी स्किन को, तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे प्रोडक्ट्स खत्म करने थे बहुत सारे, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा ज्यादा यूज किया है मेरे बॉडी पे, एंड एक टाइम पे मैंने रेगुलरली भी यूज करना चालू किया कर दिया था, उससे थोड़ा ड्राई हो गया था मेरा स्किन, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड बॉडी लोशन एंड अफोर्डेबल भी है,
आई थिंक 399 एंड समथिंग और डिस्काउंट्स वगैरह में मिल जाएगा आपको. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम एंगेज W2 परफ्यूम वाले वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ इसके बारे में. एक्सपायर हो गया था तो मुझे मेरे क्लोथ्स एंड मेरे रूम में सब जगह मुझे स्प्रे करके इसको ख़त्म करना पड़ रहा है. अभी भी थोड़ा बचा है वो मैं ख़त्म करके ही सब जगह जाऊँगी. एंड इट्स अ वेरी गुड एंड अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम एट 200 या 150 या समथिंग कुछ पे मिंत्रा पे मिल जाता है. एंड उसमें तो सस्ते में और इसको अब चाहिए क्या, इतना मस्त परफ्यूम है ना ये. इसका स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा है, लाइक स्वीट भी है फ्लोरल भी है दोनों का कॉम्बिनेशन है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है. मतलब आराम से 7 आवर्स तो आई थिंक रह जाता है. सो इट्स अ वेरी मतलब अगर आप ये W2 वाला आई थिंक लोगे तो पर्पल वाला, ये वाला परफ्यूम तो काफ़ी अच्छा है एंड गुड फॉर टीनेजर्स ऑल्सो. नेक्स्ट सनस्क्रीन इज यूवी डोक्स सनस्क्रीन. काफ़ी इसका गंदा हालत हो रहा है एंड मैंने इसको काट वगैरह के भी यूज़ किया है. एक और मेरे पास न्यू वाला ट्यूब बचा है बट आई डोंट नो वो क्यों है. सिलिकॉन वाला सनस्क्रीन है, थोड़ा सा ना स्किन में आफ्टर इसका वो रह जाता है. एंड रिसेंटली मुझे ये वाले टाइप के सनस्क्रीन अच्छे नहीं लगने लगे जब से मैंने डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन यूज़ करना चालू किया है. बट स्टिल इट्स अ गुड सनस्क्रीन. लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ड्राई स्किन टाइप है, स्टिल दे यूज़ इट एंड दे लाइक इट. सो चाहे आप कोई भी स्किन टाइप के हो आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप ऑयली स्किन टाइप के हो तो समझ में तो बिल्कुल ट्राई भी मत करना इसको यूज़ करने का. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बी मिनिमलिस का नियासिनमाइड 5% प्लस HA 1%. इट्स एन ओके सीरम बट इसके कुछ इतने बेनिफिट्स नहीं है. सो मुझे काइंड ऑफ मनी वेस्ट लगा था बट इट्स एन ओके सीरम. लाइक मेरे को तो इसने एक्ने में भी इतना हेल्प नहीं किया है जब मेरे को बहुत ब्रेकआउट वगैरह हो रहा होता था. आई थिंक इट्स अ मिस ओनली, आई डोंट थिंक इट्स अ हिट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉक्टर शेड सीका एंड सेरामाइड ओपन एंड रिपेयर सीरम. इट्स अ वेरी वेरी गुड सीरम. बैरियर रिपेयर में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है ये एंड आई थिंक इट्स प्राइजी. इट्स फॉर 950. इसके पैकेजिंग में थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम लगा एंड इसका कैप भी अच्छे से इसमें फिट नहीं होता है, बट द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड. सो इफ़ यू वांट एक बार ट्राई करके देख सकते हो. अगर आपको बैरियर का थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह है या आपका स्किन बहुत सेंसिटाइज्ड है या आपको कुछ और सीरम नहीं लगाना है तो ये वाला एज अ मॉइस्चराइजर भी कुछ लोग लगा लेते हैं बट उतना मुझे तो नहीं लगा मॉइस्चराइजर जैसा, बट इट्स अ वेरी गुड सीरम. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम डॉटन की. इट्स 10% नियासिनमाइड प्लस सीका अल्टीमेट स्पॉटलेस ग्लो फेस सीरम. इट हैज़ 3% ट्रांसामिक एसिड ऑल्सो एंड इट हैज़ लिकोरिस एंड ओटमील ऑल्सो. द नेक्स्ट एक्ने पैच इज क्लियर प्रो का एक्ने पैच. ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक इट वर्क्स, इट्स वेरी इफेक्टिव. एंड द नेक्स्ट एक्ने पैच इज डर्माको का माइक्रोटिप सैलिसिलिक एसिड पैचेस. ये तो काफ़ी टाइम से वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक भी था. सो इट्स अ वेरी 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 गुड एक्ने पैच बट बहुत ज़्यादा महंगा है. एंड उसके बाद है अर्बन योग के एक्ने पैचेस. दिस आर नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी अफोर्डेबल बट इट्स नॉट वेरी गुड. इट्स नॉट एज अफेक्टिव ऑल्सो, कभी कभी तो ये वर्क भी नहीं करता है बट लाइक मैं इसको स्टिल बाय करती रहती हूँ क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है. या गाइस दिस वॉज अ वेरी फास्ट प्रोडक्ट एम्प्टीज क्योंकि मेरा फोन का स्टोरेज स्पेस भी जा रहा है. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला हो कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है, कौन से आप ट्राई कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना. 1K आई डोंट थिंक मेरे हुए हैं जब ये वीडियो जा रहा है, तो प्लीज़ 1K करवा दो जल्दी से.